विनोद जी क्या कहना चाहेंगे आज की फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ उसके बारे में अगर बात? अजागवा आर्ट्स ये बैनर के तले आज एक टीज़र लॉन्च हो रहा है। प्रेस्टिट्यूट नाम की ये फिल्म है जो तेलुगु और हिंदी भाषा में साइमल्टेनियसली रिलीज़ हो रही है। तो आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसमें हिंदी फिल्म के काफ़ी नामी कलाकार जैसे महेश मांजरेकर जी हैं, मिलिंद गुणा जी हैं, सयाजी शिंदे हैं, यशपाल शर्मा हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। और मेरा इस फिल्म में जो किरदार है वो एक इंश्योरेंस एजेंट का है, प्यारे लाल का। तो वो बेचारा अपना टारगेट पूरा करने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा है। तो इस फिल्म की जो कथा है उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन इस फिल्म की जो हीरोइन है वो एक प्रेस की फ्रीलांस पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, फ्रीलांस पत्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो सकती है, सोशल मीडिया की हो सकती है। तो उसको वो क्यों उसको किडनैप किया जाता है और उसकी क्या हालत होती है, क्यों होती है, वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि क्यों हुआ ऐसा। आज जहां महिलाओं आज मतलब जिस प्रकार से महिलाएं कार्य कर रही हैं वो बड़ा अद्भुत है। और भारतवर्ष आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, उसमें महिलाएं भी अपना कार्य जो है वो बहुत कमाल का कर रही हैं। तो ये हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और ये फिल्म तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। एक बहुत अच्छा थ्रिलर है और एक मैसेज इस फिल्म के ज़रिए देने की कोशिश माधव जी ने की है, जो डायरेक्टर हैं, अच्छी स्क्रिप्ट कथा बांधी है। मैंने फिल्म नहीं देखी, डबिंग फिल्म की जिससे जो वन लाइन मैंने आपको बताई वो उतना ही पता है और मेरे कैरेक्टर के बारे में पता है। फिल्म तो मुझे भी देखनी है, मैं भी आपके जितने ही उत्सुक। सर 90 के दशक में फिल्म आई थी मैं आज़ाद हूँ, शायद थोड़ी सी मेल खाती है सेब उठाने के लिए, टीआरपी के लिए मीडिया दिखाती है कि 15 अगस्त को आज़ाद सुसाइड करेगा। हाँ मतलब एक हाँ नहीं मैं हाँ मुझे थोड़ी बहुत याद है, मैं आज़ाद हूँ मुझे पता है, एक सेब उठा, बट वो सेम स्टोरी तो नहीं है। बहुत दिनों के बाद स्टोरी आई है। हाँ तो ये मैं फिल्म के बारे में कथा के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि वही एक्चुअली उसका एक्चुअली मीडिया को दिखाया गया। गिरते सतर। हाँ माध्यम में काम करने वाली लड़की है तो निश्चित रूप से, मतलब आज जिस तरह से हाँ मतलब हो रहा है वो तो मालूम है, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। मैं मतलब एक स्पर्धा है वो भी सत्य है कि जैसे वो इसकी इसका ये इसका शर्ट मेरे शर्ट से सफ़ेद कैसे, तो वैसे इसका टीआरपी मेरे टीआरपी से आगे कैसे। जैसे जोशी जी आप टारगेट ले रहे हैं एलआईसी का, मीडिया का भी एक टारगेट बन गया, मानते हैं इस चीज़ को आप? क्या जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट हूँ, मेरा एक टारगेट है, इतने लोग पूरे करने हैं तो मीडिया? हाँ नेचुरली वो लोग पूरे करने नहीं, उसको एक संख्या है, वो संख्या उसकी अगर पूरी करनी है वो अगर नहीं हुई तो बेचारा फंस जाएगा, तो उसका तो मतलब गया बाजा बज गया। और आज उसकी भी स्पर्धा है, इतनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मतलब आप अनगिनत हर रोज़ एक नई इंश्योरेंस कंपनी बाहर आती है, एक महीने के लिए, तीन महीने के लिए। मान तो मीडिया की भी हाँ तो मीडिया की भी हो गई है। हाँ नेचुरली आज सोशल मीडिया का भी महत्व, आज देखो ना सोशल मीडिया पे भी कितने माध्यम आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया भी एक माध्यम का ही काम कर रहा है। अब उसके अच्छा भी है और उसका बुरा असर भी है। कब किसी को मार देते हैं टीआरपी के लिए कुछ भी कर वो तो मुझे नहीं मालूम। जितेंद्र की डेथ हो गई है, ऐसी
किसकी किसकी यूट्यूब पे डाली किसी ने, तो अरे टीआरपी की जो बात करें, ऐसी ऐसी खबरें डाल के लोग क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं वही बोलता हूँ कि लोगों में एक थ्रिल, एक सेंसेशन किस तरह से पैदा हो, उसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक मतलब ये जिस तरह से आपने ये न्यूज़ बताई, किसी की भी मौत हो जाती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं सर, ये मीडिया क्यों सर ऐसे चलता है? आप कभी शिकार हुए सर मीडिया का, ऐसे कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, किसी भी चीज़ को देख कभी नहीं, कभी कभी ज़्यादा। तो क्या कहना चाहोगे सर इस फिल्म के बारे में? नहीं, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म हर एक व्यक्ति ने देखनी चाहिए, और हर एक, क्योंकि ये तो दोनों भाषा में आ रही है और अच्छी फिल्म बनाई है, एक अच्छा कंटेंट है, और आजकल कंटेंट अच्छा हो तो फिल्म चलती है निश्चित रूप से। तो ये मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों को भाएगी, अच्छी लगेगी, और निश्चित रूप से फिल्म देखें, थिएटर में जाकर देखें जब रिलीज़ होगी। आज इसका टीज़र आपने देखा, मतलब आप आए हैं इसलिए, और लोग भी देखेंगे ऑफकोर्स, इसका टीज़र सोशल मीडिया पे आएगा ही 100%, तो लोग भी देखेंगे। सर ज़्यादा दिवाली की शुभकामनाएं, एक मैसेज देंगे? डेफिनेटली, किसको दो?